आज हम यूक्रेन और रशिया का पावर कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने कहां ठहरती हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी से। यूक्रेन की राजधानी है कीव और रशिया की राजधानी है मॉस्को। यूक्रेन की जनसंख्या है 4 करोड़ से ज्यादा की, रशिया की जनसंख्या 14 करोड़ से ज्यादा। यूक्रेन 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है जबकि रशिया का पूरा एरिया 1.7 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी रशिया यूक्रेन से 28 गुना ज्यादा बड़ा है, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। यूक्रेन अपने मिलिट्री पे सालाना $5.4 बिलियन खर्चा करता है जबकि रशिया अपने मिलिट्री पे $61.7 बिलियन खर्चा करता है। यूक्रेन के एक्टिव पर्सनल यानी टोटल एक्टिव सोल्जर्स है 2,55,000 जबकि यूक्रेन के पास 10 लाख रिजर्व पर्सनल है। वहीं रशिया के पास लगभग 11 लाख एक्टिव पर्सनल हैं और लगभग 20 लाख रिजर्व पर्सनल हैं। अब बात करते हैं लैंड फोर्सेस की। शुरुआत करेंगे टैंक से। यूक्रेन के पास हैं 2,100 टैंक्स जबकि रशिया के पास है 12,000 से ज्यादा टैंक्स। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, यूक्रेन के पास 6,900 जबकि रशिया के पास 26,800। अगर टोटल आर्टिलरीज यानी तोपों की संख्या देखें तो यूक्रेन के पास है 3,700 जबकि रशिया के पास 18,500। सेल्फ प्रोपेल्ड यानी खुद से चलने वाली आर्टिलरीज यूक्रेन के पास 1,000, रशिया के पास 6,500। रॉकेट आर्टिलरी यूक्रेन के पास 630 जबकि रशिया के पास 4,300। अब बात करते हैं एयरफोर्स की। एयरफोर्स में आपको एक बात देखने को मिलेगी कि यूक्रेन की सेना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि यूक्रेन ने अपना ज़्यादातर जो पैसा है यानी ताकत है वो अपने लैंड फोर्सेस में लगा कर रखा है। अगर सिर्फ ज़मीन पे जंग होता है तो यूक्रेन उतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है जितना मीडिया आपको दिखा रही है, क्योंकि यूक्रेन के पास 12 लाख सैनिक है और साथ ही साथ 2,000 टैंक्स है जिनके साथ वो किसी भी तरह का ज़मीनी युद्ध लड़ सकता है। एयरफोर्स टोटल एयरक्राफ्ट यूक्रेन के पास 320, रशिया के पास 5,500। फाइटर एयरक्राफ्ट यूक्रेन के पास 70, रशिया के पास 790। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट यूक्रेन के पास 0, रशिया के पास 830। अटैक एयरक्राफ्ट यूक्रेन के पास 29, रशिया के पास 880। हेलीकॉप्टर्स यूक्रेन के पास 130, रशिया के पास 1,700। टोटल यूएवी यानी ड्रोन्स यूक्रेन के पास 12, रशिया के पास 30। यूक्रेन की नेवी उसके एयरफोर्स से भी ज़्यादा कमज़ोर है क्योंकि यूक्रेन का ज्योग्राफी ऐसा है कि उसे ज़्यादा नेवल फोर्स का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। यूक्रेन के पास टोटल नेवल वेसल्स हैं 63 जबकि रशिया के पास 600 से ज़्यादा नेवल वेसल्स हैं। और किसी भी तरह के अगर अटैक युद्धपोत को देखें तो यूक्रेन के पास बस एक ही फ्रिगेट है जबकि इसके सामने रूस की नौसेना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। शुरुआत करते हैं यूक्रेन से। हालांकि यूक्रेन ने कभी भी खुद का न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस नहीं किया है लेकिन आपको याद रखना होगा कि 1991 से पहले यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था और जितने भी कंट्रीज जो भी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे उन्हें ज़बरदस्ती न्यूक्लियर वॉरहेड्स उनके अंदर रखा जाता था ताकि वहां से भी रशिया अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सके। इसीलिए जिस समय 1991 में यूएसएसआर टूटा था उस समय यूक्रेन के अंदर 5,000 न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए थे और वो सारे 5,000 न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन को मिल गए थे जिसके वजह से उस समय यूक्रेन दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स का 3rd लार्जेस्ट होल्डर बन गया था। यानी अमेरिका और रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के पास थे। हालांकि बाद में यूक्रेन ने यह फैसला किया कि वो इन न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं रखेगा जो कि एक बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि आज अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो बात कुछ और होता। 1994 में यूक्रेन ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी साइन किया था जिसके बाद 1996 में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे यूक्रेन में उन्हें रशिया ले जाके डिसेंबल कर दिया गया था। वहीं बात करें अगर हम रशिया की तो अमेरिका के बाद न्यूक्लियर वेपन्स का सबसे बड़ा होल्डर रशिया ही रहा है। जब रशिया अपने पीक पे था 1980 के दशक में उस समय रशिया के पास 40,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और रशिया का पागलपन किस हद तक पहुंच चुका था। हालांकि अगर आज की बात करें तो माना जाता है कि रशिया के पास आज करीब 6,500 वॉरहेड्स मौजूद है, वहीं अमेरिका के पास भी इतने ही तादाद में न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इस वक्त यूक्रेन की सबसे बड़ी समस्या उसकी कम सेना नहीं है बल्कि उसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि यूक्रेन की ज्योग्राफी इस तरीके से है कि इस वक्त रशिया उसके तीनों साइड से घेरे खड़ा है। यूक्रेन के ईस्ट में पूरा रशियन बॉर्डर है यानी पूरा रशिया खड़ा है जबकि साउथ में क्रीमिया मौजूद है जिसके ऊपर रशिया ने 2014 में कब्जा किया था, तो वहां से भी रशिया हमला कर सकता है। जबकि यूक्रेन के नॉर्थ में बेलारूस,
मौजूद है। और बेलारूस रशिया का एलाई है और सबसे ज़्यादा खतरा इसी जगह से है क्योंकि रशिया की जो राजधानी है कीव वो बेलारूस से करीब 4 घंटे की दूरी पर है। यूक्रेन में घुसने का सबसे आसान रास्ता यही लग रहा है। रशिया बहुत ही आराम से बेलारूस के थ्रू आएगा यूक्रेन के अंदर और उसकी राजधानी के ऊपर कब्जा कर लेगा। खैर हमें ये बात भी समझनी होगी कि अगर फुल स्केल वॉर यहाँ पे छिड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नेटो कंट्रीज, खास करके यूरोपियन नेटो कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये सब आएंगे यूक्रेन के बचाव में। अगर आप कमेंट में जा कर के लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो पूरा नेटो वर्सेस रशिया के ऊपर बना सकता हूँ कि पूरी नेटो की सेना वर्सेस रशिया की सेना कहाँ ठहरती है। इसके लिए कमेंट में जाके आपको नेटो वर्सेस रशिया लिखना है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।